टोनी स्टार्क एमसीयू में अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा वो अपने परफेक्ट डायलॉग्स के लिए भी मशहूर है। टोनी स्टार्क के डायलॉग्स बहुत फनी होते हैं और जब भी वो किसी से मिलता है तो उसे एक निकनेम भी दे देता है, और यही सब चीजें उसे ऑडियंस से और भी ज्यादा अटैच करती हैं। टोनी स्टार्क ने अपनी एमसीयू जर्नी में अपने जबरदस्त डायलॉग्स के साथ हमें हंसाया है और इमोशनल भी किया है। तो आज इस वीडियो में हम टोनी स्टार्क के 5 बेस्ट डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? सुपर हीरो मूवीज में ऑडियंस को सबसे ज्यादा इंतजार किसी चीज का होता है तो वो होता है सुपर हीरोज का मीटअप। सब ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि जब हमारे दो फेवरेट सुपर हीरोज पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे तो उस सीन में क्या होगा और वो क्या बात करेंगे। तो ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग मीटअप देखने को मिला अवेंजर्स 1 में, जहाँ एक तरफ था गॉड लेवल की पावर्स वाला थॉर और दूसरी तरफ था एक ह्यूमन जिसकी सुपर पावर थी उसकी टेक्नोलॉजी। इस मीटअप में हमें जबरदस्त डायलॉग बाजी देखने को मिली। इस सीन में टोनी स्टार्क थॉर को अपनी पावर से हरा तो नहीं पाता, लेकिन अपने डायलॉग से उसने थॉर को जरूर हरा दिया। हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। अवेंजर्स 1 में ही टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही उन दोनों के बीच लड़ाई जैसी सिचुएशन बन गई। टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि स्टीव रॉजर्स तो बस एक लैब में हुआ एक्सपेरिमेंट है और स्टीव रॉजर्स टोनी स्टार्क को एक घमंडी अमीरजादा समझता था। यहाँ दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और स्टीव रॉजर्स टोनी से कहता है कि अपने सूट के बिना तुम क्या हो। इस पे टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स को ऐसा जवाब देता है जिसके बाद स्टीव कुछ बोल ही नहीं पाता। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क की जोड़ी बहुत फेमस रही है, इसीलिए ऑडियंस को इंतजार था कि जब ये दोनों कैरेक्टर्स किसी मूवी में मिलेंगे तो क्या नजारा होगा, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स अमीर हैं और थोड़े घमंडी भी। इसीलिए जब ये दोनों इन्फिनिटी वॉर में पहली बार मिले तो दोनों तरफ से ही हमें कुछ यादगार डायलॉग सुनने को मिले। मॉर्गन स्टार्क का ये डायलॉग अवेंजर्स एंडगेम का एक बहुत ज्यादा स्वीट मोमेंट था। फिर जब मूवी के लास्ट में टोनी स्टार्क ने अपने होलोग्राम में यही डायलॉग रिपीट किया, तब ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट बन गया। ये डायलॉग टोनी स्टार्क और उसकी बेटी की रिलेशनशिप को अच्छे से शो कर रहा था। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने बताया कि इस डायलॉग का आइडिया उन्हें अपने बच्चों से मिला था और उनके बच्चे भी घर में उन्हें यही कहते हैं। ये डायलॉग मूवी के बाद इतना फेमस हो गया कि आज भी मुझे कमेंट में ये देखने को मिल ही जाता है। इसी डायलॉग ने एमसीयू को शुरू किया था और इसी डायलॉग ने इन्फिनिटी सागा को ख़त्म भी किया, तो इसको पहले नंबर पे तो होना ही था। आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क ने किसी की परवाह ना करते हुए इस डायलॉग के साथ सबको ये बता दिया कि वही आयरन मैन है। ऐसा करके आयरन मैन ने ये दिखाया कि वो बाकी सुपर हीरोज की तरह खुद की पहचान छुपाना नहीं चाहता, बल्कि उसे बहादुरी से चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद है। इसीलिए एंड गेम में सबको बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और तब इस डायलॉग ने उस सीन को एक अलग ही लेवल पर पहुँचा दिया। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि टोनी स्टार्क का कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।